हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग वंस अगेन. वेलकम बैक टू माय चैनल तंजुनकम ऑफिशियल. सो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन. एंड मैं आज जा रहा हूँ जिम में. ये मैंने जिम ज्वाइन किया था कल, एंड ये मेरा चैलेंज रहेगा, 1 मंथ जिम चैलेंज. सो गाइस, बने रहिए वीडियो में. तो यहाँ से मैं अभी जा रहा हूँ जिम, एंड जो मेरा जिम का लोकेशन है वो अराउंड 300 मीटर्स के आसपास में है. एंड गाइस, मैं बता दूं कि मेरा जिम ज्वाइन करने का ये 1 मंथ चैलेंज रहेगा, एंड देखते हैं मैं ये चैलेंज को पूरा कर पाते हैं या नहीं. एंड लेट्स होप कि मैं कर पाऊँ. एंड मेरा डेली व्लॉग रहेगा मेरा जिम का, एंड मैं क्या करता हूँ वो सब मैं दिखाऊँगा जिम में. नाउ गाइस, आई हैव रीच्ड जिम, एंड मैंने अपना स्ट्रेचिंग वाला जो सेक्शन था वो ख़त्म कर लिया है. एंड मैं अभी ट्रेडमिल में भाग रहा हूँ. सो ट्रेडमिल में मेरा रनिंग टाइम होगा 15 मिनट्स के लिए, क्योंकि ये मेरा फास्ट डे है तो मुझे थोड़ा सा अपना लेवल डाउन करके जाना पड़ेगा. क्योंकि स्टार्टिंग से ही अगर आप लेवल हाई करके जाते हो तो फिर नेक्स्ट दिन आपका उठना थोड़ा मतलब अपना बॉडी पेन हो सकता है. सो उसको माइंड में रखते हुए मैं 15 मिनट रखूँगा, क्योंकि इट्स अ गुड, इट्स एनफ फॉर फास्ट डे. एंड यहाँ पर लग आई डोंट थिंक कि मैं ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे पास ना ट्राईपॉड है कुछ है, क्योंकि ट्राईपॉड ज़रूरी है यहाँ पर मुझे लग रहा है. एंड ये ट्रेडमिल में सेलफोन रखने का जगह था तो मैं यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया. एंड ये भी है कि इट्स माई फास्ट डे तो सब लोगों के साथ घुल मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा. एंड बाकी मेरा मैं कल से ट्राई करूँगा कि मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ. एंड चलो फिर आगे. सो गाइस, ये है हमारा जिम, एंड देख सकता है ये सब है फिटनेस फ्रीक जो कि अपने फिटनेस के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं. एंड बाकी मुझे जिम अच्छा लगा, आपको कैसा लगा कमेंट. तो गाइस, जब मैं ये बुक रीड कर रहा था तो मुझे एक बहुत ही अच्छा एक लाइन या एक बहुत ही अच्छा एक समरी या कंक्लूजन भी बोल सकते हो वो मुझे मिला है. तो क्या होता है कि एक एम्प्लॉय होता है जो कि एक कॉरपोरेट में जॉब कर रहा होता है, तो वो उससे जॉब से ना खुश होता है एंड उसको उसमें इंटरेस्टेड भी नहीं होता है. तो एक दिन क्या होता है कि वो अपना ऑफिस में झगड़ा हो जाता है एंड उसको निकाल दिया जाता है. तब क्या होता है कि वो उसमें डीमोरलाइज या डीमोटिवेट नहीं होता है. वो क्या होता है कि वो एक होप रखता है अंदर में कि हाँ, जो भी हुआ है कुछ अच्छा के लिए हुआ है और कुछ अच्छा होने वाला है मेरे साथ. तो फिर क्या होता है कि कुछ दिन के बाद वो लड़का को एक अच्छा जॉब मिल जाता है. अच्छा जॉब इन द सेंस जो उसका मन को अच्छा लगता था, तो ऐसा जॉब उसको मिल जाता है. एंड ये मिलने का कारण ये है कि उसने एक होप यानी कि एक पॉजिटिव थॉट रखा कि हाँ, जो पिछले वाला जॉब था वहाँ से तो निकल गया, लेकिन अभी कुछ अच्छा होने वाला है. तो इस चीज़ का उसने पॉजिटिव सोच रखा, एंड हुआ क्या रिज़ल्ट में, तो उसको पॉजिटिव ही रिज़ल्ट. एंड गाइस, ये है आज का मेरा लंच. तो मैं इसे मैं खाने वाला हूँ चॉपस्टिक से. तो मैं सभी को बता दूँ कि चॉपस्टिक से खाने का मैंने सीखा था 2020 को, यूट्यूब से सीखा था कि चॉपस्टिक से कैसे खाया जाता है. एंड तब से मैं चॉपस्टिक यूज़ कर रहा हूँ. एंड ज़्यादातर मैं चॉपस्टिक राइस खाने में यूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा कंफर्ट होता है राइस खाने में. एंड एक्चुअल में ही जो चॉपस्टिक होता है वो राइस और नूडल्स खाने के लिए होता है. एंड जो कि जो हमारा इंडियंस का जो राइस जिस तरह बनता है तो उसके लिए तो चॉपस्टिक हम यूज़ नहीं कर सकते. तो चॉपस्टिक यूज़ करने के लिए थोड़ा सा जो अपना चावल होता है वो थोड़ा गीला चावल होना चाहिए ताकि वो पकड़ सके. तो इंडिया में इस तरह का चावल नहीं बनता है, तो फिर भी मैं यूज़ तो करता हूँ इसी चॉपस्टिक से.
एंड मुझे अभी अच्छी तरह से आ जाते हैं, आप देख सकते हैं कि कैसे खाना भी उसमें पकड़ में आ जा रहा है। सो गाइस, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग भी चॉपस्टिक एक बार ट्राई करके देखिए। मुझे तो मज़ा आया था स्टार्टिंग में, थोड़ा सा तकलीफ़ हुआ सीखने में, बट देन पकड़ते पकड़ते चॉपस्टिक आसान हो गया पकड़ने के लिए। सो, इसी तरह यहाँ पर मेरा वीडियो होता है दी एंड। तो गाइस, मेरा वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो वेरी मच, एंड आई होप कि आप लोग गाइस मुझे सपोर्ट कर रहे होंगे, एंड लाइक करना, शेयर करना और कमेंट भी कर दो ताकि मैं मोटिवेट फील कर सकूँ। सो टिल देन, बाय बाय।